फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ में बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि फ्रेंड्स आपके सफ़ेद हो रहे बालों को बहुत ही तेज़ी से काला भी बनाएगा और बालों की मेलानिन पिगमेंट को भी ये इंक्रीज़ करेगा। और ये बहुत ही अच्छा और घरेलू तरीका है। जो होम रेमेडीज़ होते हैं ना फ्रेंड्स, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जब आप कोई केमिकल वगैरह यूज़ करते हो तो वो आपको एकदम इंस्टेंट सा रिजल्ट देते हैं, बट वो इंस्टेंट रिजल्ट आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम जब इंस्टेंटली कोई काम कर लेते हैं और इंस्टेंटली हमें कोई रिजल्ट मिल जाता है, ऑब्वियसली आगे जाके वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो पूरे बाल, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आपकी 4 से 5 बाल अगर सफ़ेद है और आप सोच रहे हो कि बस इसे केमिकल लगा के मैं इसे हाइड कर दूँ, तो ऐसे बिल्कुल मत करिए। बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जैसे घरेलू चीज़ें, आप यूज़ करके अपने 4 से 5 बालों को भी हाइड कर सकते हो। और आज की जो रेमेडी है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसे बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर करिए। बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ कोई केमिकल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी आप अपने बालों को, सफ़ेद बालों को, प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को रिवर्स भी कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए फ्रेंड्स, मेरे बाल भी कुछ सफ़ेद होना शुरू हो गए, तो मैंने अपने बालों पे इन सारी चीज़ों का काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ में जब भी अपनी रेमेडी को यूज़ करती हूँ, बनाती हूँ, तो आप लोगों के साथ में इसका रिजल्ट भी शेयर करती हूँ कि काफ़ी इफेक्टिव एंड वाव फैक्टर्स वाले होम रेमेडीज़ होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पूरा एंजॉय कर लीजिए, पूरा देख लीजिए और इसे अपने बालों पर अप्लाई करिएगा। और केमिकल वाली जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग जर्नी के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, आप लोगों को पता है, बट होम रेमेडीज़ वो लॉन्ग जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छे होते हैं। तो हमें अपने नेचुरल चीज़ों पे काम करना है ताकि हमारे जो हेयर, हमारे स्कैल्प है ना, वो स्वस्थ रहे। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, वीडियो देख लेते हैं। चलिए रेमेडी शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप नए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए एंड रेमेडीज़ देखने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पर कोकोनट लेकर आई हूँ, तो कोकोनट को आपको इस तरह से रिमूव कर लेना है, जो अंदर का गुदा होता है इसे इस तरह से निकाल लीजिए। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ में कोकोनट शेल वाली एक रेसिपी शेयर की थी। इंस्टेंट अगर ब्लैक करना चाहते हैं बालों को, तो वो वाली रेमेडी भी आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरह से आपको नाइफ़ की हेल्प से बहुत ही आसानी से इसे रिमूव कर लेना है। और आप सभी लोगों को पता है, जैसे कोकोनट मिल्क जो होता है वो हमारे बालों को डीप कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है, और जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, जो ब्रिटल हेयर की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए कोकोनट मिल्क काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये हमारे बहुत सारे डिसऑर्डर को भी क्योर करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं हमारे हेल्थ को भी। आप लोगों को पता है, हेल्थ के लिए भी कोकोनट मिल्क काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको कोकोनट को इस तरह से ले लेना है और छोटे छोटे क्यूब्स में, टुकड़ों में इसे कट कर लेना है, जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, जिस तरह आप देख रहे हैं। ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जो ग्रेइंग हेयर होते हैं उसे स्टॉप करने के लिए कोकोनट मिल्क काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आप चाहें तो गूगल पे भी इसे ज़रूर सर्च करें, क्योंकि कोकोनट मिल्क बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने सफ़ेद बालों को रिवर्स कर सकें, तो कोकोनट मिल्क आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने कोकोनट को कट करके ले लिया है, उसका एक पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद स्ट्रेनर की हेल्प से आप इसे, इसके जो दूध है, जो मिल्क है कोकोनट का, उसे हमें लेना है। देखिए यहाँ पे स्पून की हेल्प से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ और ये हमें मिल्क मिल गया है। तो इसे किस तरह यूज़ करोगे आप, कि एक पावरफुल कंडीशनिंग और जो आपको मॉइस्चराइज प्रोवाइड करेगी। नेचुरल फैटी एसिड पाया जाता है कोकोनट मिल्क में, जो बालों को तेज़ी से काला बनाती है। ये देखिए हमें मिल्क मिल गया है। अब इसका प्रोसीजर किस तरह है पूरा मैं लाइव भी आप लोगों को करके बताऊँगी, तो चलिए पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, इस यूज़फुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस कोकोनट मिल्क को रेडी कर लिया है। कुछ इस तरह से आपको कोकोनट मिल्क ले लेना है, एकदम फ्रेश फ्रेश बना के आप अगर लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा होता है। सिर्फ हमें इसमें दो ही चीज़ें ऐड करना है दोस्तों, जो कि हम अपने बालों पे ना बहुत ही अच्छी तरह से इसे कंडीशनिंग प्रोवाइड करेगा और जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है उसे भी ये सॉल्व करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे नागरमोथा ले रही हूँ। नागरमोथा हमारे बालों को काला, लंबा और घना बनाती है। नागरमोथा जब आप कोकोनट मिल्क में डाल के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना, तो इससे आपके बालों
सालों में बहुत ही तेजी से जो मेलानिन प्रोडक्शन होता है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल औषधीय गुण पाए जाते हैं जिसके वजह से बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन मिलती है और बाल झड़ते नहीं हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है बालों का झड़ना। तो बालों का झड़ना रोकने के लिए आप क्या करेंगे, कोकोनट ऑयल, कोकोनट में इस तरह मिल्क में इस तरह से नागर मथा आपको 1 टेबल स्पून ले लेना है और इसी को इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए हमने इसमें नागर मोथा ले लेना है। ये तो मैंने घर पे ही बनाई है। नागर मोथा के आपको पाउडर भी मिल जाएगा और जब रॉ फॉर्म में नागर मोथा मिल जाए तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ले लेना है। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जिसे कि देखिए ये है कलौंजी का पाउडर। तो कलौंजी जो होता है नाइजीरियल सीड्स होते हैं, इसे अनियन सीड्स भी कहा जाता है। तो इसे आपको लेना है जब आप कोकोनट, देखिए जो हमने कोकोनट मिल्क लिया है ना दोस्तों, तो इसके अंदर जब आप इस तरह से इस सीड्स को भी ऐड करके बनाएंगे तो ये काफ़ी बेस्ट होता है मेलानिन पिगमेंट इंक्रीज करने के लिए। तो हमें सिर्फ यहाँ पे दो ही चीज़ें लेनी है, जैसे कि नागर मोथा और इस तरह से हमें अनियन सीड, ठीक है, इस तरह से कलौंजी और इस तरह से इसका एक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ये देखिए ये कोकोनट मिल्क में ही आपको बनाना है। इस तरह से धीरे धीरे इसे स्टर करके अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए मैं इसे अपने बालों पे लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को, और बहुत ही अच्छे से बालों को तेजी से काला लंबा घना बनाती है। सफ़ेद बालों की जो प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम होती है, कोकोनट का अगर आपने इस तरह से ना दूध निकाल के इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो ये बहुत अच्छे से मेलानिन पिगमेंट बढ़ाती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे अब हम यूज़ कर लेते हैं। इसे अच्छे से पूरा पेस्ट बना लेना है एकदम, ताकि लम्ब्स ना रहे इसमें। देखिए फ्रेंड्स हमने इसे प्रिपेयर कर लिया है कुछ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इसे लगाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके बालों को, जो सफ़ेद हो रहे बालों को, उसी उससे बचाएगा। ये देखिए आपको इस तरह से मांग निकाल लेना है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, कर लेना है। और इसका यूज़ करेंगे हम, एक एक पार्टीशन कर लीजिए और वहाँ पे बालों पे इसको, जड़ों पे, स्कैल्प में, देखिए यहाँ पे स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से लगाना है। ये आपके बालों में डीपली पेनिट्रेट होगा और जो सफ़ेद बालों की समस्या है उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो इसी तरह से हर जगह पे आपको इस तरह से पार्टीशन करते हुए स्कैल्प में इसे लगाना है अच्छी तरह से, आप देख सकते हो। तो मैं इसे पूरा अच्छे से कवर कर देती हूँ। इस रेमेडी को फ्रेंड्स आप 30 मिनट अपने बालों पे लगाए रखिएगा और उसके बाद अपने बालों को किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से धो लीजिएगा। इससे आपको बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, कुछ ही महीनों में इसका बेस्ट रिजल्ट देखने